Hello students, I am Ajay sir from Vivekananda Senior Secondary School Bani. आप plus two physics के अंदर first chapter कर रहे हो electrostatic. उसके अंदर हमने first A किया है जिसका name है electrostatic charge. अब हम उस chapter complete कर लिए उसके theoretical part. अब हम उसके numerical करने जा रहे हैं. okay, मैं सिर्फ वही numerical आपको detail में समझाऊंगा, सिर्फ जो आपके book के अंदर थोड़े difficult हैं, बाकी आपने खुद करने हैं, कोई नहीं समझाएगा वो आपको करवा दिया जाएगा. ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. टू बॉडीज ए एंड बी कैरी चार्ज. दो बॉडी ए और बी है, उनके ऊपर चार्ज दे रखा है. एक के ऊपर है -3 माइक्रो कूलम एंड दूसरे के ऊपर है -0.44 माइक्रोन कूलम. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्ज. कितने इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब आप दोनों चार्ज है ना. अभी देखो इसमें इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है, इस पे ऊपर थोड़ा कम चार्ज है, तो आपने इसमें से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं. ओके, तो आपने बोला कितने इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे कि वो उन दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो सेम हो जाएगा. ओके, तो आपके पास दो फर्स्ट ये चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज है. लेट एन इलेक्ट्रॉन बी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी. मान लो आपने एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया. ओके, व्हेन ए एंड बी वुड कैरी सेम चार्ज. आपको यहाँ पे दे रखा है ना कि चार्ज सेम करना, दोनों का चार्ज सेम होगा. आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज ई. आपको ये मैंने बताया था कि ओ इज इक्वल टू एन ई होता है, और दोनों चार्ज जो होते हैं बराबर आपने करने हैं. तो ये देखो ये -3 हो गया, एक साइड इलेक्ट्रॉन एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जाने हैं और दूसरी तरफ गेन होने हैं. ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, प्लस हो गया ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्लस नंबर आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी के अंदर गए हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये नेगेटिव उस साइड चला गया. अब आपने एन ई को दोनों को एक तरफ कर दो, 2 एन ई हो जाएगा. ओके, ये वैल्यू उधर ले जाओगे और सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके, एन इज इक्वल टू 2.56 बाय में 2 ई. ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10^-19 कूलम होती है. ये वैल्यू पुट कर दोगे, एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. ओके, इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, दोनों चार्ज सेम करने, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव. क्यों आएगा, क्योंकि एक साइड से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ गया, एक के अंदर प्लस सा हो जाएगा चार्ज, एक के अंदर माइनस हो जाएगा. ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके अंदर माइनस हो जाएगा, जिससे जाएंगे वो प्लस हो जाएगा. ओके, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था. नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है ए फ्री पिथ बॉल पी ऑफ 10 kg. आपके पास कोई भी बॉल दे रखी है 10 kg, 10 ग्राम की. ओके, 10 ग्राम कैरी पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 5.5 × 10^-8 कूलम. व्हाट मस्ट बी नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अनदर पिथ बॉल. उन्होंने बोला यहाँ पे कोई भी बॉल मान लो आपने. ओके, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी बॉल है पी, उसके ऊपर आपको मास भी दे रखा है और चार्ज भी दे रखा है. व्हाट मस्ट बी नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अनदर बॉल. उन्होंने बोला कितना आप दूसरी बॉल के ऊपर चार्ज दोगे. ओके, और कौन सा चार्ज दोगे जो उस बॉल से 7 cm दूर है, बिलो द फॉर्मर बॉल, सो दैट अपर बॉल इज स्टेशनरी, ताकि जो ऊपर वाली बॉल है वो स्टेशनरी रहे, वो हिले ना. मतलब नीचे वाली पे कितना चार्ज दे के आप ऊपर वाली बॉल को स्टेशनरी कर सकते हो. ओके, ये आपने निकालना है. अब मान लो इसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आप अपोजिट चार्ज नहीं सेम चार्ज दोगे, क्योंकि वो आपने रिपेल करवाना वो उसके ऊपर, ताकि तो ही वो टिकी रहेगी. ओके, इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसको भी आपको पॉजिटिव देना, अगर इसके ऊपर नेगेटिव है वो भी नेगेटिव देना पड़ेगा. ओके, बट इसके ऊपर पॉजिटिव है तो जो दूसरी बॉल है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ही आप दोगे. अब हम करते हैं इसको, देखो एम आपके पास मास दे रखा है उस बॉल का, फर्स्ट बॉल का. ओके, ग्राम के अंदर 10^2 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे, 10^10 -3 किलोग्राम हो जाएगा. ओके,
अब चार्ज भी उसी वोल्ट का दे रखा है, उसी वोल्ट का डिस्टेंस भी आपके पास, ये सारा कुछ गिवन है। ओके, सबसे पहले आपने गिवन ही लिखना जो जो दे रखे। सेकेंड बॉल के वो मस्ट बी कैरी पॉजिटिव चार्ज, उसको भी पॉजिटिव देना पड़े ना, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स के कारण ही वो बैलेंस रहेगी, नहीं तो वो बैलेंस नहीं रहेगी। वेन बॉल रिमेन स्टेशनरी, तो अब आपने इन दोनों के अंदर निकालनी है फोर्स। अब आपके पास मास दे रखा है, मतलब ऊपर वाली बॉल का मास भी नीचे लगेगा, ऊपर वाली बॉल का मास नीचे की तरफ लगेगा, और नीचे की तरफ से आपने क्या देनी है फोर्स, कौन सी चार्ज वाली फोर्स। ओके, जो आपने निकाली इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स आपने लगानी है। अब ये देखो, ये फोर्स ऊपर वाली का मास नीचे आएगा, नीचे वाली में आपने चार्ज देके दोनों को बैलेंस करना है। ओके, एफ इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पे 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू बाय में r² इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों के अंदर आपने क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। आपने क्या निकालना है, फर्स्ट का चार्ज तो आपके पास दे रखा है क्यू टू निकालना है। ओके, वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू बताइए ना कितनी होती है, 10^9 × 10^9। ओके, ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है 1/4πε0 की। चार्ज की वैल्यू आपके पास दे रखी है, ओके, 5 × 10^-8 को ये सारी वैल्यू पुट करोगे, ये सारे डिस्टेंस पुट कर दोगे। 7 दे रखा था ना आपके पास, 7 cm को, तो इसको मीटर के अंदर आपने कन्वर्ट किया है। ओके, तो ये आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो क्यू टू की वैल्यू आपने निकालनी है। नेचर तो हमने पहले ही बता दिया था कि उसका पॉजिटिव आएगा, अब आपने उसकी वैल्यू क्वांटिटी बतानी है जो आप फाइंड आउट कर दोगे, इसको सोल्व कर लोगे। नहीं है बहुत इजी है, थोड़ा समझने की जरूरत है बस। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी इज एफ। आपने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू गिवन चार्ज प्लेस्ड, दो चार्ज हैं, डी डिस्टेंस है, उनके बीच में फोर्स एफ लग रही है। ओके, व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे बी कैप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज टू एफ। उन्होंने बोला कितना डिस्टेंस उसका चेंज कर दें कि अब जो फोर्स लग रही है वो टू एफ हो जाए। ओके, तो आपने देखा कि उसमें एफ है फोर्स, डी डिस्टेंस, टू एफ करनी है तो डिस्टेंस कम ही करना पड़ेगा ना पहले वाले से, हम देखते हैं वो कैसे करेंगे। ओके, फर्स्ट आपके पास फोर्स दे रखी है 1/4πε0 q1 और डिस्टेंस डी दे रखा है। लेट द चेंज कैप्ट इन डिस्टेंस आर, आर में चेंज करोगे तो ही तो वो पास आएंगे और फोर्स ज्यादा लगेगी ना, तो अब आपके पास फोर्स क्या होगी 2f, क्योंकि 2f फोर्स करनी है 1/4πε0। अब जो नई डिस्टेंस है वो आर, मान लो आप कोई भी डिस्टेंस लेट कर लेते हो, अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2। अब f से इसको डिवाइड करोगे, ये बाय में ये इक्वेशन करोगे तो f से f कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, q1 ये कट जाएगा, r² बाय में d² आ जाएगा। r² की वैल्यू जो आएगी d बाय में √2 आएगी, सोल्व करोगे 0.707 आ जाएगा, मतलब जो डिस्टेंस आएगा वो d से इतना चेंज। नेक्स्ट है ए पार्टिकल कैरिंग चार्ज क्यू पॉजिटिव इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कोई भी पार्टिकल है वो स्क्वायर के सेंटर में पड़ा हुआ है, ईच साइड 1 मीटर, सभी साइडें 1 मीटर है। इट इज सराउंडेड बाय 8 चार्ज, उसके चारों तरफ 8 चार्ज और हैं जो आपको डायग्राम में दिया रखा है। इफ क्यू इज इक्वल टू 2 μC, उन्होंने बोला अगर क्यू के पास चार्ज 2 μC है, इट इज नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो आपने नेट फोर्स निकालनी है। अभी देखो यहाँ पे चार्ज दे रखे है ना, यहाँ पे चार्ज दे रखा है, ये वाले चार्ज दे रखे हैं, ये वाले चार्ज दे रखे हैं। अब ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो ये हमेशा कैंसिल, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब रह गया ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है। पहले आप क्या करोगे, इस चार्ज और इस चार्ज की फोर्स कैलकुलेट करोगे, फिर इस चार्ज और इस चार्ज की फोर्स कैलकुलेट करोगे और दोनों को आप ऐड कर दोगे। ओके, ये आपने करना, कर लोगे ना, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 7q × q + 7q × q, मतलब 2 बार करनी है ना, तो आपने जो डिस्टेंस यूज करना वो भी आप, ये देखो यहाँ पे आप डिस्टेंस यूज करोगे पूरा 1 मीटर है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस यूज होगा वो हाफ हो जाएगा 1 मीटर का। ओके, तो ये हाफ का स्क्वायर करना आप, इसको सोल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है
टू पॉइंट चार्ज, फोर माइक्रो कूलम एंड वन माइक्रो कूलम्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टू मीटर इन एयर। ओके, ये दो चार्ज दे रखे हैं आपके पास, इसके बीच में डिस्टेंस टू मीटर दे रखा है एयर के अंदर रखे। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्ज एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिस्टम इज जीरो। उन्होंने बोला इन दोनों चार्ज के बीच में ऐसा कोई पॉइंट बताओ जिस पे इन दोनों चार्ज का जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाए, वो आपने वो पॉइंट निकालना है। दो चार्ज दे रखे हैं, ओके, डी डिस्टेंस दे रखा है, इसको चेंज किया माइक्रो को, ओके, कूलाम के अंदर। मान लो आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया, आपके पास टोटल डिस्टेंस टू मीटर दे रखा है, पी से ये डिस्टेंस आर हो जाएगा और ये डिस्टेंस टू माइनस आर हो जाएगा। ओके, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सिस्टम जीरो एट पी, आपको पता है ना पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लेट कर ली वो जीरो है। ओके, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाली बराबर हो जाएगी, तो आपने ये कैंसिल आउट करना और कुछ नहीं। ये देखो चार्ज मान लो पी पे आपने वन ले लिया, क्यू वन के कारण फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस आर स्क्वायर, दूसरी तरफ टू माइनस आर स्क्वायर, जो जो चीज कटती है वो काट दोगे, आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी वो आप फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट है टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज ईच ऑफ टू माइक्रो कूलम इंटरेक्ट विद थर्ड पॉजिटिव चार्ज। दो इक्वल माइक्रो कूलम के चार्ज हैं, तीसरे माइक्रो कूलम चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इसके साथ। ओके, एज शोन इन फिगर, फिगर में आपको बता रहा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द थ्री कूलम चार्ज। इसके ऊपर आपने निकालनी है फोर्स इन दोनों चार्ज के लिए, सारा डायग्राम के अंदर ही आपके वैल्यू गिवन है। ओके, अब ये देखो ये आपके डिस्टेंस आपको तीन मीटर दे रखा है, ये भी तीन मीटर दे रखा है, ये फोर मीटर दे रखा है। अब आपने इस पॉइंट पे चार्ज निकालना है इसके कारण फर्स्टली। अब ये जो है चार्ज, ये देखो इसकी जो लाइन ज्वाइन है ये इस तरफ, इसकी फोर्स लगेगी, ये आपकी डायरेक्शन आ गई फोर्स की डायरेक्शन। ओके, और ये दूसरे चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन आ गई इस तरफ, ए डैश की तरफ आ गई, ए की बी डैश की तरफ आ गई। ओके, मान लो फर्स्ट की जो आ रही है ये ए डैश की तरफ आप मान सकते हो, ओके, ये ए डैश की तरफ आ रही है। अब ये देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस ए डैश की तरफ आ रही है, इसके दो कंपोनेंट यहाँ पे बन जाएंगे, आपको पता है जो थीटा के साथ होता है दैट इज एफ वन कोस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एफ वन साइन थीटा हो जाएगा। ओके, सेम एज इट इज इसके भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे ये डायरेक्शन के, ये जो होगा दैट इज एफ टू कोस थीटा हो जाएगा और ये जो होगा एफ टू साइन थीटा हो जाएगा। अब ये देखो इसकी जो डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये रह जाएगा। बट आपको देखो एफ वन और एफ टू की वैल्यू सेम है क्योंकि चार्ज दोनों की तरफ चार्ज सेम है। ओके, ओके, ये जो दोनों चार्ज है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों चार्ज आप ऐड कर लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये देखो ये आपके पास थ्री मीटर दे रखा है, ये फोर मीटर हो गया, ये इसको सॉल्व कर लोगे पाइथागोरस से, ये फाइव मीटर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो फाइव मीटर आपने यूज करना है क्योंकि ये डिस्टेंस यूज करना है आपने। ओके, 5 मीटर यूज करोगे, एफ वन फर्स्टली एफ वन वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय में ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर मैंने बता दिया ये वाला डिस्टेंस ए पी स्क्वायर। ओके, क्योंकि फर्स्ट आप चार्ज ये लिए ना तो इसमें एफ वन की जो वैल्यू आएगी दैट इज आएगी। ओके, और सेम एज इट इज एफ टू की वैल्यू भी सेम आएगी, बस आपके कंपोनेंट का ही फर्क रहेगा। ओके, एफ जो एफ वन की वैल्यू ये आई है एफ टू की वैल्यू भी सेम यही वैल्यू आएगी। ओके, अब ये देखो लास्ट के अंदर आपने यहाँ पे एफ वन साइन थीटा और एफ टू, एफ वन इज इक्वल टू एफ टू हो जाएगा क्योंकि वैल्यू सेम आएगी ना, तो ये दोनों आपस में ऐड होके जो नेट फोर्स होगी एफ इज इक्वल टू टू एफ वन कोस थीटा होगी। ओके, टू की वैल्यू एफ की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, कोस थीटा आपको पता है क्या होता है। ओके, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है और कोस होता है बेस बाय में हाइपोटेनियस। ओके, तो बेस कितना है फोर है, हाइपोटेनियस फाइव है, फोर बाय में फाइव आपके पास आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम हेल्ड एट ए पी. ओके, ड्यू टू टू चार्ज, दो चार्ज आपके पास दे रखे हैं. ओके, दोनों अलग अलग पॉइंट पे, ए और बी पॉइंट के ऊपर. ओके, देखो ए पॉइंट पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, बी, और जो ए पे पड़ा हुआ है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और बी पे पड़ा हुआ दैट इज नेगेटिव चार्ज. ओके, डायग्राम आपको दे रखा है. गिवन ए पी आपके पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है, बी पी आपके पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है. ओके, ये डिस्टेंस टोटल दे रखा है. ए पी बी एंगल आपके पास 90 डिग्री दे रखा है. ओके, अब ये देखो, ये बात याद रखना है, जब भी पॉजिटिव चार्ज आपको दिया हो तो जो उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है. पॉजिटिव चार्ज की हमेशा बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज की हमेशा अंदर की तरफ होती है. नेगेटिव चार्ज की देखो फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इसकी बाहर की तरफ हो जाएगी. ओके, ये देखो इसकी बाहर की तरफ एफ वन और इसकी एफ टू अंदर की तरफ होगी. ओके, और इन दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है. पहले ये फोर्स कैलकुलेट करोगे, फिर ये करोगे, उन दोनों का बाद में रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे. ओके, बाकी सारे कुछ आपके पास गिवन दे रखा है. देखो हेयर एफ वन आपने कैलकुलेट करना है, एफ वन एफ है ना जो रिजल्टेंट है यहाँ पे. पहले आप एफ वन कैलकुलेट करोगे, फिर टू कैलकुलेट करोगे, ये दो चार्ज आपके पास दे रखे हैं. एफ वन कैलकुलेट करोगे, वन बाय में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू बाय में ए पी स्क्वेयर. ओके, दोनों चार्ज आपके पास दे रखे हैं ना, तो आप दोनों चार्ज ए पी प्रोड्यूस अलोंग भी दे रखा है, ए पी के होगा एफ वन की डायरेक्शन के अंदर. तो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है. क्यू वन की वैल्यू ऐड कर दोगे, क्यू टू की. ओके, और बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.1 हो जाएगा. ओके, तो वैल्यू आ जाएगी. एफ टू की वैल्यू सेम एज इट इज कैलकुलेट कर लोगे, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट आपको बताना. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओके, रिजल्टेंट फोर्स जो आप कैलकुलेट करोगे, एफ इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ वन स्क्वेयर प्लस एफ टू स्क्वेयर. ओके, तो इन दोनों का रूट आंसर निकालोगे, ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली. जो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप स्कूल में जाके ले ली जाएगी. ओके, तो इस चैप्टर की आपके पास बुक कोशिश करना आसपास से अरेंज हो जाए, तो बाकी जो न्यूमेरिकल्स है खुद करने की ट्राई करनी है. ओके ओके, बाय, स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर.